तो मार्केट एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड में ऊपर चल रही है। तो आज हम इस वीकली एनालिसिस में पहले तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कौन सा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा। फिर हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और फिर हम 15 मिनट पे करेंगे जो हमें कल के लेवल बताया गया कि कल मार्केट में आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, क्या आपका स्टॉप लॉस टारगेट, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देखूं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल थी हमारे पास वो था ये वाला लेवल 16,800। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आ गई है वीकली टाइम फ्रेम में। अब अगर मैं करंट मोमेंटम की बात करूं तो ये मोमेंटम हो सकता है मोस्ट प्रॉबली कि इस लेवल तक कंटिन्यू हो जाए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रही है अगर आप पीछे से देखेंगे तो हो सकता है ये मोमेंटम आगे चल के अराउंड 17,600 तक मार्केट को ले जाए। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसी वीक में आ जाएगा, मे भी हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट आ जाए मार्केट में फिर आए, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे हम यही लेवल दिख रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर से तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रही है मार्केट में। तो हो सकता है कि दोनों एक ही जगह पे अगर मार्केट ने थोड़ा टाइम लगा दे तो हो सकता है रिजेंबल भी कर जाए, कॉन्फिडेंस बन जाए दोनों लेवल्स का। तो ये दो टारगेट अभी मुझे एट दिस मोमेंट दिख रहे हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है हमारे पास। ट्रेंड देखेंगे तो बहुत ही अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं मार्केट में, एक मोमेंटम आ रहा है, रिट्रेसमेंट आ रही है, मोमेंटम रिट्रेसमेंट मोमेंटम। अब अगर ये लास्ट वाली तीन कैंडल्स देखेंगे आप, ये काफी अच्छी बुलिश कैंडल थी, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई, कहीं ना कहीं वो गैप अप सस्टेन हुआ, फिर गैप अप ओपनिंग एंड गैप अप सस्टेन हुआ। अब थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जिन लोगों ने यहाँ से किसी भी लेवल से बाय किया होगा तो उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में चल रही है और गैप अप सस्टेन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस मोमेंटम की भी बात करूँ तो यहाँ से हमें भी एक रिट्रेसमेंट चाहिए, फिर ही आगे वाला मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो वो कौन सा टारगेट हो सकता है अगर मैं उसकी बात करूँ तो, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है इस लेवल के आसपास, 334 से लेके आप 360 तक का लेवल कह सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे फिब एक्सटेंशन ड्रॉ करूँ जो पीछे वाला ट्रेंड था उसके ऊपर, तो फिब एक्सटेंशन से भी जो आपके पास लेवल निकल के आ रहा है वो है अराउंड 17,329। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा, अगर कहीं मंडे को मार्केट इस लेवल के आसपास खुले तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, मींस आप पुट बाइंग का सोच सकते हैं। अगर आप एटीएम की पुट बाय करेंगे तो आपको इजीली अराउंड 50 पॉइंट्स उसमें मिल जाएंगे, इजीली 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस होगा जस्ट 10 to 15 पॉइंट्स। अगर आपने एग्जैक्ट रिवर्सल के टाइम पे ट्रेडिंग एंट्री की है, मीन्स आपने प्रॉपर कैंडल्स और वॉल्यूम देख के और बाकी सिनेरियोस देख के एंट्री की है तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा अभी के ट्रेंड के लिए जो जा रहा है मार्केट में ऊपर। तो चलिए अब बात करते हैं कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके लिए। यहाँ पे एक काफी शार्प ट्रेंड लाइन जा रही है जिसको ये मार्केट फॉलो कर रही है और मार्केट नीचे आई और फिर वापस ऊपर चली गई, तो काफी अच्छा सेंटिमेंट है मार्केट का। अगर आपको बाय प्लान करना है तो आप डे हाई से ऊपर बाय प्लान कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम का फ्राइडे का डे हाई था। अगर आप इससे ऊपर बाय करेंगे तो आपको अराउंड अराउंड 300 या फिर 330 तक की मूव मिल सकती है। तो इसमें अगर आप एटीएम की कॉल बाय करेंगे, मीन 17,200 की या फिर 150 की कॉल बाय करेंगे तो उसमें आपको अराउंड 45 to 50 पॉइंट्स इजीली मिल जाएंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा इस लो लेवल से थोड़ा सा नीचे, या फिर जब मार्केट में मोमेंटम शुरू हो जाएगा तो जो आपका एंट्री पॉइंट है उससे नीचे ही आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ सेलिंग की, सेलिंग दो सिनेरियोज में मैं करना पसंद करूंगा। फर्स्ट, अगर मार्केट गैप अप खुला 330 या फिर 350 के आसपास तो वहां से आप ओपनिंग के टाइम पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगा। अगर मार्केट इस लेवल को एंड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी यहाँ पे कहीं, मीन्स अराउंड 125 या फिर 130 के आसपास अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मैं सेल प्लान करूंगा और मेरा टारगेट होगा अराउंड 70 to 80 पॉइंट्स। मीन्स अगर आप एटीएम 17,100 की पुट बाय करेंगे तो वहां पे आपको अराउंड 30 to 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि वहां पे क्या कह रहा है हमें डाटा। बात करूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ के जा रहे हैं और यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में मोमेंटम है, मीन्स ऑप्शन चेन का अगर मैं एनालिसिस करूँ तो मुझे ऑप्शन चेन बुलिश लग रही है। अगर आप देखेंगे सेलर्स बहुत दूर आ गए, 17,600 उनको एक सेफ लेवल लग रहा है और हमने टेक्निकली भी देखा
कि 17,600 एक सेफ लेवल है, वहां से ऊपर जाने के थोड़े से कम चांसेस हैं इस एक्सपायरी में एटलीस्ट। और सेकंड बात जो है वो प्रीमियम बहुत कम है मार्केट में। अगर प्रीमियम कम है तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, तो कॉन्शियस रहिए, आपको एक अच्छी खासी मूव मिल सकती है, लेकिन प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए और इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास ही ट्रेड कीजिए। चलिए बैंक निफ्टी में लेवल्स देखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग। की बात करूं तो जिस ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे यहाँ से जो आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुकी है, मार्केट ने इसे ऊपर सस्टेन किया और एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। अभी अगर आपने लास्ट डे देखा होता फ्राइडे को, तो ये वो हाई था जो पिछला स्विंग हाई बना हुआ था काफी पुराना वीकली में, उसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन दी। तो अब अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, मीन्स 37,721 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो आपको आने वाले दिनों में मार्केट में आप फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस लेवल, दिस इज अराउंड 38,700, मीन्स 1,000 पॉइंट की मूव मिल सकती है। अगर ये क्रॉस हो गया तो ये वाला एक लेवल है, दैट इज नियरली 39,400, मीन्स आपको 1,000 to 2,000 पॉइंट्स की मूव इजिली मिल सकती है अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और सस्टेन किया। तो मार्केट का अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो काफी अच्छा मोमेंटम चल रहा है। अगर आप नीचे से वैसे भी देखेंगे तो मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा डबल बॉटम टाइप पैटर्न बना के उसको ऊपर जा रही है, तो डबल बॉटम का जो हाई है वो भी यही लेवल है, तो ये लेवल आने के चांसेस हैं मुझे लग रहा है मार्केट में। तो चलिए अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या सीनरी है। अभी भी ऑलमोस्ट सेम है, एक मोमेंटम आ रहा है, रिट्रेसमेंट आ रही है, मोमेंटम रिट्रेसमेंट। होता क्या है, जब मार्केट में मोमेंटम एंड रिट्रेसमेंट आएगी तब मार्केट के सस्टेन करने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर एक स्ट्रेट मोमेंटम चलता रहे, ऐसे ही मोमेंटम चलता रहेगा ऊपर तक, तो उसके सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम है। अभी कुछ ना कुछ थोड़ा सा मोमेंटम शार्प हो चुका है, गैप अप ओपनिंग सस्टेनिंग, गैप अप ओपनिंग सस्टेनिंग। तो चलिए देखते हैं थोड़ा फिब एक्सटेंशन के बेसिस पे कि कहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे फिब एक्सटेंशन ड्रॉ करूँ तो फिब एक्सटेंशन से जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 38,700। अगर आपने जादू तो हमने वीकली टाइम फ्रेम में जो लेवल मार्क किया था वो भी यही था, नियरली 38,700। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा मार्केट के लिए, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में मार्केट इस लेवल को टच कर जाए। तो चलिए अब देखते हैं कल के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। दो दिनों का डाटा देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है और ऊपर से हमारे पास ये दो लेवल्स हैं, एक तो ये वाला लेवल हो गया कि ये वाला लेवल हो गया। अगर आपको एक छोटी मूव चाहिए तो आप इस लेवल के एक ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होगा, यहाँ पे आपको एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी एग्जिट करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करना पड़ेगा। अगर कहीं मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया जो डे हाई था, मीन्स 37,700 के आसपास कुछ लेवल है जो वीकली हमने मार्क किया था, अगर वो लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट आपको 38,000 तक का टारगेट दे देगी, मीन्स नियरली अराउंड 300 पॉइंट्स। अगर आप 37,800 की कॉल भी बाय करेंगे तो उसमें आपको अराउंड 100 to 120 पॉइंट्स मिल जाएंगे इजीली, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 25 to 30 पॉइंट्स का। अगर मैं बात करूँ सेलिंग की, तो सेलिंग में तभी प्रेफर करूंगा अगर मार्केट 38,000 या फिर 38,700 के आसपास खोलती है, जिसके थोड़े से चांसेस कम है, या फिर अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इस लेवल को भी ब्रेक किया, फिर मैं एक सेलिंग का सोच सकता हूँ। तो 37,400 से नीचे मैं सोच सकता हूँ सेलिंग के लिए, और मेरा टारगेट होगा ये वाला लेवल फर्स्ट, 37,200, देन 37,000 लेवल। तो सेलिंग करना थोड़ा सा रिस्की होगा, अगर प्राइस एक्शन सेलिंग के फेवर में हुआ तो आप प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी की अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है हमारे पास। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि उसमें क्या सिनेरियो है। की बात करूं तो यहाँ पे भी क्लियरली आप देख सकते हैं कि अनवाइंडिंग चल रही है, जो इन्होंने कॉल सेल की थी वो अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। ऑल्दो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश था एज कम्पेयर टू निफ्टी फ्राइडे को, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी कॉल सेलिंग की पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। अगर आप इस साइड का जो बिल्डअप देखेंगे और इस साइड का बिल्डअप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहे हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस चीज को देख के मैं कह सकता हूँ कि स्लाइटली मार्केट थोड़ी सी बुलिश है, ऑप्शन चेन बुलिश है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए कि प्रीमियम मार्केट में काफी कम है, अगर आप देखेंगे ये 200, 300 और 370 के आसपास प्रीमियम चल रहा है मार्केट में, जनरली ये प्रीमियम होना चाहिए था 400 से ज्यादा, तो प्रीमियम्स काफी कम है। तो प्रीमियम्स कम इट्स गुड फॉर ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स प्लीज स्टे कॉन्शियस, क्योंकि अगर मार्केट में एक मोमेंटम आया तो प्रीमियम्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ ऑप्शन सेलर्स। तो ये मार्केट पूरी कंप्लीटली ऑप्शन बायर्स के फेवर में है, कॉन्शियसली ट्रेड कीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल के पास कीजिए, डेफिनेटली यू कैन मेक सम गुड मनी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।